हेलो जी, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब? और ये देखो, हमारे इधर धूप खिली है। आज हम सब लोग आज धूप में लेटे हैं, धूप धूप खा रहे हैं आज धूप। रोज खाना खाते हैं, आज धूप खा रहे हैं। और धूप के कारण ना मैंने लाइट नहीं आ रही ना, दिख नहीं रहा, मतलब फ़ोन की स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं अंदाजे से वीडियो बना रही हूँ। बस थोड़ा सा अंदाज़ा लेके कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, कभी इधर कभी उधर। तो बैठे हैं धूप में, और डेट है आज 28 28 को धूप आई है, पूरे 8 9 दिन के बाद में। बहुत दिन से धूप नहीं आई थी यहाँ पे, और आज इतनी तेज वाली धूप है, बहुत भयंकर वाली। सब लोग धूप 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 कर रहे थे इतने दिन से, सारी खट्टी भेज दी भगवान जी ने। और ये देखो, ज्योति ने मुंह बांध के बैठी है, दिख रही है कि नहीं दिख रही? अच्छा धूप में मुंह बांध के बैठी है। मैंने सारे कपड़े भी डाल दिए आज बाहर, कल धोए थे ये सूखे नहीं तो आज डाले। और बहुत देर होगी, कम से कम 2 घंटे से हम धूप में हैं। अब जाएंगे, मार्केट भी जाना है और अंदर भी जाना है। अंदर जाके कुछ काम है, वो काम करना है, तो थोड़ी देर और धूप सेक लेते हैं, फिर चलेंगे अंदर। और देखो, अब यहाँ से थोड़ा दिख रहा है मेरे को स्क्रीन। मैंने शॉल ओढ़ रखी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों के बाद में। कम से कम पिछली ठंड में, हाँ पिछली ठंड में तो छत पे लेटे थे, इस ठंड में तो आज पहली बार लेटे हैं बाहर धूप में। बैठ तो काफ़ी बार जाए, कई बार बैठ चुके, लेकिन लेटे आज ही हैं। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। क्या होगा? हैं? 3 दिनों का बाल बाया। आज तो मुंह भी बंद हो। तो जी अंदर आ चुके हैं, अब बनाएंगे मट्ठी। बनानी है आज मेरे को मट्ठी, बनानी है। मट्ठी के चक्कर में मैंने धूप छोड़ दी, देख लो। और मट्ठी कौन सी मट्ठी बनानी है पता है? जो मैदे की मट्ठियाँ नहीं होती है, चाय के साथ खाते हैं, अच्छी लगती है ना, वो बनाऊंगी। ज्योति जो है, ज्योति कह रही 3 दिन से बाल नहीं बनाए उसने, मुंह नहीं धोया आज, ना ही नहीं उसके, ना पूरी बॉडी ना जकड़ी हुई है, ठंड से ना दर्द आ रखा था पूरे शरीर में। तो आज धूप निकली है 10 दिन, 9 10 दिन तो मैं कम बता रही हूँ, इससे भी ज्यादा टाइम हो गया। तो आज धूप निकली, मैंने कहा तू धूप में बैठ जा, नहाना धोना बाद में देखियो, पहले धूप में बैठ जा के तेरे कुछ सही होएगा तेरे शरीर। तो बैठी थी तब से धूप में, और अब मैंने उसको नहाने नहीं दिया क्योंकि उसकी शरीर पूरा कड़ा हुआ है ना, रोज नहाती है। तो मैंने कहा आज नहीं नहाना, आज धूप से की, अब लेट जा बस, थोड़ी देर में फिर से धूप में चली जाएगी, परेशान हो गई धूप से, सुबह से धूप में बैठी है। तो अब चलेंगे किचन में, और किचन में क्या करेंगे? किचन में मेरे को करनी है मट्ठियां बनानी है। मैं मैदा लेके आई थी, कम से कम 10 दिन हो गए, और 10 दिन से अब तो इसको, जैसे अंदर ना ठंड लग रही है, बाहर गर्मी लग रही थी, यहाँ ठंड लग रही है। तो 10 दिन से मैदा ला के रखी हुई है, ज्योति को बोला था बनाएंगे बनाएंगे, लेकिन अब तक नहीं बनाया। अब वो मट्ठी बना लेती हूँ, आटा लगा दूंगी ना, तो मैं आऊंगी जब तक ज्योति उनको फ्राई कर लेगी, ठीक है? तो मैं लगा देती हूँ आटा, और फोन कर दिया मैंने टिफिन के ऊपर। ये बर्तन स्टैंड की देखो, बर्तन स्टैंड आ रहा है, बर्तन स्टैंड के ऊपर रखा है इधर तो, लेकिन यहाँ ना सेट नहीं बैठेगा, उठाना तो पड़ेगा, एक बार रख देती। हाँ तो ये जब मैं साइकिल सही करवा के लेके आए थे ना, मार्केट गए थे, तब उस टाइम पे इसकी साइकिल में थोड़ी मिस्टेक थी, एक टायर नहीं था। तो टायर डलवाने के बाद जब घर पहुँचे, तो इस भाई साहब ने पूरे दिन साइकिल छोड़ी ही नहीं। नाइट में वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब तक ये साइकिल से बड़ी मुश्किल से उतारा था हमने, बड़ा शोर मचा रहा था उस टाइम तक। आज नहीं बक्से को भाई, देख लो कितनी देर हो गई ना,
जब आटा लगाने के लिए अंदर आई थी ना मैं, तो तेल खत्म हो गया था, मोयन डाला उसमें, आटा लगाया नहीं, बस मोयन डाल के मिला के छोड़ दिया। फिर हम चले गए बाजार और शिवाश अब 5 मिनट के लिए शोर नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है? 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए। शिवाश आपके लिए मटर लेके आए, बहुत मीठे मीठे। तो फिर चले गए मार्केट, मार्केट से सामान लेके आए, रिफाइंड वगैरह खत्म हो गया था ना, तो सोचे कि ले आते हैं, आने के बाद बना लेंगे, तो वो रिफाइंड वगैरह ले आए। अब बनाऊंगी मठियां। कुछ आराम मिल रहा है हाथ का दर्द में, देखिए हाथ का दर्द में कितना आराम मिल रहा है, वजन ले रहे हैं इसके हाथों में ना दर्द आ रहा है तो कह रहे सारा सामान उठाया ना तो हाथों में आराम मिल रहा है, देखो कितना। और आपने देखा ये किसी भी व्लॉग में इसका फेस खुला नहीं रहता, इसका फेस हमेशा कवर रहता है। तो टिफिन सेंटर के लिए फोन आने लग गए। अब लगाएंगे मट्ठी के लिए आटा, तो मैं यहाँ पानी गर्म रख देती हूँ पहले, फिर आटा लगा लेंगे इसका। और ये आटा लगाना है मेरे को, इसके बनाएंगे मट्ठियाँ। अभी खा लेना, पहले मटर खाओ, मैं नेल पेंट लेके आई आज। पन्नी कौन खोल रही, काट दे। तो ये टमाटर लेके आई देखो, मैं पूरे 4 किलो, अब इनको उठा के अरेंज कर देते हैं। और एक बार को ना मैंने जगह खाली करने के लिए ऐसे रख दिया उनको, बाद में फिर उठा के रखेंगे, खोल के धो के जब टाइम मिलेगा तब। अभी तो एक बार ऐसे ही थैली की थैली है, दूल्हे वाली बना लेना ना, छिलका वाली बना लेना या हरी वाली, छिलके वाली बनाएंगे। और मैं आप लोगों को आज एक ऐसी मटर दिखाऊंगी जो कभी भी ना कड़वी नहीं निकलती, हमेशा मीठी निकलती है। लेके आए थे हम पहाड़ी मटर, देखो ना जी झूठ बोला है आप, हर चीज में झूठ बोला है। और के ये है ना देखो, इन्ने के बेरो मीठा निकला, बकवास मत करो, देखो कैसे लाग रहे हैं, देखो एकदम मतलब हरी मटर कच्ची मटर खाने में लगे हुए तीनों, और खाने का तरीका देखो इनका। हाँ के की खोल लिया, रायता बूंदी नहीं तो वे याद ही ना नहीं। और ये थर्माकोल की गोलियों के लिए कह रही थी, भूल गए। तो देखो कितनी अच्छी मटर है, ये मटर पूरी भरी आती है, जो जो पहाड़ से है मतलब उत्तराखंड से है उनको पता होगा इधर पहाड़ी मटर मिलती है कितनी मीठी होती है। तो मेरे जितनी मीठी हुआ है थारो की एक मीठो है जोर है मर्दी मेरे जितनी मीठी हुआ है बताओ के मीठा है। बस मैं भी खा लूंगी, सब खा रहे हैं। मट्ठी खा लो जी, मट्ठी बनाई थी और हम दोनों बैठ गए खान। अंधेरो बहुत आ रहे, अरे रुक जाओ, आज तो बंदर का हाथ माचिस दे दी, सच में बंदर का हाथ माचिस दे दे, कितनी देर होगी, सब किन भूख के रहेगा। तो आप खा रहे हैं मट्ठी, आप लोग भी खा लो, बढ़िया बढ़िया। अरे रुक जा, सच में आज ज्यादा मोटी है, बंदर के हाथ में मच्छी दे दी। तो जी यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है, दाल बन चुकी है। दाल बनने के बाद में तड़का लगाने के बाद में, तड़का मैंने कढ़ाई में लगाया था, कढ़ाई में लगा के वापस कुकर में निकाल दी उसको, क्योंकि पता है इतनी दाल है और किसी बर्तन में आएगी नहीं। तो कुकर में डालने के बाद अच्छे से बॉयल करके उसको मथनी से मथ दिया है। और आज बनी है आलू मटर की सब्ज़ी जो कि आपके सामने तैयार है, चावल भी बन चुके हैं और इधर रोटियाँ सेकी जा रही हैं, और साथ साथ हो रहे हैं टिफ़िन पैक, वो कर रहे हैं हमारे शर्मा जी और ज्योति मिल करके।
तो ज्योति जो है वो टिफिन के डिब्बे जो हैं उनके अंदर खाना डाल के रख रही है, और शर्मा जी फटाफट से स्टैंड लगा करके और उनको स्टैंड में रख रहे हैं डिब्बों को, और फटाफट से जो मेन कवर होता है ना टिफिन का उसके अंदर रखने जा रहे हैं ताकि गर्म रहे खाना। तो वही सब मैंने आज रिकॉर्ड करवाया, मैंने कहा बच्चों से, मैंने कहा ये सब भी रिकॉर्ड करो आज, पता तो चले सब लोगों को कि सारी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है। तो सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है जी, ये सात आदमियों का खाना है, इसमें सात सलाद है, सात स्पून है, प्लास्टिक, पांच रोटी एक्स्ट्रा है, टिफिन उधर से ले लेता हूँ मैं। तो जी यहाँ पर सलाद और पैकिंग जो खाना था वो है बैग में, तो वो सब ले लिया है इन्होंने, और अब उठाएंगे टिफ़िन और हाथ में लेंगे टिफ़िन। और ज़्यादा दूर का नहीं है, ये वाले जो पार्सल हैं ये पास के ही हैं, मतलब बाइक पे नहीं जाना पड़ेगा, बाद में जब बाइक के आएंगे वो बाद में दे के आएंगे, अभी पास वाले जो हैं उनको दे करके और बाइक वाले सारे पार्सल में पैकिंग में लेके जाएंगे तो वो बैग में चले जाएंगे। और साथ मतलब जो पास पास होते हैं उनमें बाइक में ठंड लगती है ना, इसलिए ऐसे पैदल से ही दे के आ जाते हैं, और ज़्यादा दूर भी नहीं लगता पैदल पैदल जाने में। और ये वाला जो वीडियो था ये हमारा यहीं तक रखेंगे हम, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया ऐसे करके भी, और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।